आज मैं लेके आई हूँ बैंगन आलू की इतनी मजेदार सी, इतनी चटपटी, इतनी टेस्टी सब्जी की रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे ना तो श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। और पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे ये बैंगन आलू की सब्जी चावल के साथ बहुत पसंद है। तो फटाफट से कमेंट करके बताना कि बैंगन आलू की सब्जी चावल के साथ खाना किस किस को पसंद है। और अगर नहीं पसंद है तो एक बार इस बैंगन आलू की सब्जी को चावल के साथ खाकर देखिए, बाय गॉड आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसे रोटी के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, और स्पेशली चावल के साथ एक बार ट्राई करिए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपालीज किचन कुकिंग एंड बेकिंग। और मैं हूँ रूपाली, और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी को। बट उससे पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको इस तरीके से लंबे शेप में मैंने बैंगन काटे हैं और आलू काटे हैं। ये छोटे वाले बैंगन हैं, जो छोटे छोटे बैंगन आते हैं, तो मैंने इन दोनों को एक साथ काट लिया है लंबे लंबे स्लाइसेस में। आप चाहें किसी भी शेप में काट सकते हैं, बट इस शेप में ना सब्जी बहुत टेस्टी भी बनती भी है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो इनको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने बैंगन और आलू सबको साथ में डाल लिया है। ऐसे करने से, शैलो फ्राई कर लेंगे ना पहले से, तो सब्जी बनाने की प्रोसेस जो है थोड़ी सी क्विक हो जाती है, और साथ में लास्ट में जब आप इसे पकाते हैं तो ये इवनली कुक होते हैं। वरना कई बार क्या होता है ना, बैंगन ज़्यादा मैशी हो जाते हैं, आलू जो होते हैं पक नहीं पाते। बट इस टाइप से अगर आप बनाएंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मैंने शैलो फ्राई करके, हाफ फ्राई करके इसे निकाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 तेज़पत्ता, लौंग, 1 बड़ी इलायची, ये कुछ मसाले मैंने इसमें डाले हैं, काली मिर्च, और इसमें 2 ऑनियन जो है रफली चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर ली है। इसे अच्छे से हम लोग को सौते कर लेना है। साथ में मैंने डाला है 1/2 स्पून जीरा और 1/2 स्पून राई। आप इन दोनों को डाल लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चुटकी भर मेथी दाना भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। जब तक हमारी प्याज भुन रही है तब तक हम इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 स्पून मैंने ली है हल्दी पाउडर, साथ में लिया है मैंने यहाँ पर चाट मसाला, गरम मसाला, और साथ में कसूरी मेथी, जिसे हाथों से अच्छे से क्रश करके हम डाल लेंगे। इसमें आप अमचूर पाउडर भी डाल लीजिए और लाल मिर्च पाउडर। ये हम डाल के, देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गोल बना लूँगी। तो ये लाल मिर्च पाउडर भी मैंने इसमें डाल लिया है, ये देगी लाल मिर्च है। आप चाहें तो तीखी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे हम लोग, थिक सा, ताकि ये मसाले जो है ना पहले से फूल जाए। तो इधर हमारी प्याज जो है अच्छे से पिंक कलर में हो गई है, और ये मसाले अब हम इसमें डाल लेते हैं जो हमने पेस्ट बना के रखा था। इससे क्या होता है ना, मसाले जल्दी से तेल में जलते नहीं हैं, और बैंगन की सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हर एक स्टेप में मैं आपको रीज़न भी दे रही हूँ कि अगर आप ऐसे करेंगे तो सब्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैं आपको रीज़न के साथ बता रही हूँ कि अगर मसालों को आप पानी में घोल के डालेंगे तो मसाले जलेंगे नहीं, और सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मसालों का। तो मसाले 2 सेकंड के लिए मैंने भून लिए थे, देखिए अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया। अब 3 से 4 टमाटर है, जिसे मैंने जार में डालकर पेस्ट बना लिया है प्यूरी, और इस प्यूरी को हम इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद आपको इसे ढाक कर पकाना है, जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाती है, ऑयल को रिलीज नहीं कर देती है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसको मैं ढककर पकाने के लिए छोड़ देती हूँ, और जब तक कि ये 2 से 3 बार आप बीच बीच में इसको स्टेयर करते रहें, चलाते रहें, अदरवाइज मसाला नीचे से जल जाएगा। तो देखिए इस सब्जी, इस प्योरी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ऑयल भी साइड से अच्छे से रिलीज हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम आगे की प्रोसेस पर बढ़ते हैं। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, गरम पानी। तो आपको गरम पानी डालना है, तो गरम पानी डालने का रीज़न ये है कि जब भी आप इसमें गरम पानी डालेंगे ना सब्जी में, तो इस मसाले जो हैं क्विक तरीके से फूलेंगे, जल्दी से ऑयल रिलीज होगा, और सब्जी बनाने की जो प्रोसेस है ना वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। तो अब मैं इसे फिर से ढककर 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ देती हूँ पकने के लिए, और देखिए ये साइड से ऑयल रिलीज करना शुरू हो गया है फटाफट से। तो अब हम इसमें डालते हैं हमारे ये बैंगन आलू जो हमने शैलो फ्राई करके रखे हुए थे। तो अब हम इसमें बैंगन आलू डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसे बहुत फ्लेम को जो है, गैस की फ्लेम को मीडियम से लो रखना है, तेज फ्लेम पे नहीं करना है।
तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ क्योंकि अभी हमारी ग्रेवी जो है थोड़ी सी काफ़ी थिक हो जाएगी थोड़ी देर बाद, इसलिए पानी आप कंसिस्टेंसी सेट कर लीजिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा बैंगन आलू रसीले बनाना है तो पानी और बढ़ा सकते हैं, बट मुझे नॉर्मल थिक कंसिस्टेंसी पसंद है। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और इसे हम फिर से ढाँक कर पकाएंगे ताकि बैंगन आलू में अच्छा सा नमक का टेस्ट, मसालों का टेस्ट आ जाए। और इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। अगर आपको लगे तो और आप 2 से 3 मिनट पका लीजिए इसको, बट सब्जी आपकी अच्छे से पकनी चाहिए। इसमें मैंने श्रद्धा अनुसार धनिया डाल लिया है काट के, और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी वो भी डाल ली है। दोनों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए हमारी कितनी मज़ेदार सी बैंगन आलू बनके तैयार है। इस लास्ट स्टेज पे हमें इसे कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। तो देखा कितने कम मसालों में कितनी टेस्टी मज़ेदार सी लटपटी सी बैंगन आलू की सब्जी बनके तैयार है, जो भंडारे में या फिर शादियों में इस तरीके की लटपटी सी सब्जी बनके जो मिलती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। इसको गार्निश कर लिया मैंने मिर्ची के साथ और धनिया के साथ, और अब आप किसी को सर्व करिए, ये खाने में बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी लगेगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।